गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं हीट स्ट्रोक में, या अगर में छोटा सा इंसिडेंट हो जाएगा तो हम फर्स्ट एड कैसे देंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जब ब्लीडिंग नोज हो, जब नाक से खून आ रहा हो, तो हमें फर्स्ट एड में क्या कैसे देना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए वो है मेक अ पेशेंट लाई डाउन विद हिज हेड इन अ लोअर पोजीशन देन द बॉडी, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है कि ऐसे पेशेंट को लिटाना चाहिए, उसके हेड की हेड को लोअर पोजीशन में रखना चाहिए जैसे बॉडी के कंपैरिजन में। डू नॉट पुट अ पिल्लो अंडर द पेशेंट्स हेड, पेशेंट के सिर के नीचे पिल्लो नहीं रखना चाहिए, वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए बिना पिल्लो के। Pour cold water on the patient's head. पेशेंट के जो सिर पे है वो ठंडा पानी डालना चाहिए। The patient must not put his finger in the nose. जब नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, नोज ब्लीडिंग हो रही हो, तो नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। A cold pack can be put on the nose. नाक के ऊपर ठंडा सा पैक रख देना चाहिए। The patient must not blow his nose too often. नाक साफ नहीं करनी चाहिए, ब्लो नहीं करनी चाहिए, जैसे हम नाक साफ करते हैं उसको बार बार नहीं करना चाहिए। ये हमें चीजें कब होती हैं जब हमारे नाक से खून आ रहा होता है, ज्यादातर जब गर्मी होती है तो ऐसा होता है, गर्मी की वजह से हमें नाक से खून आता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, पेशेंट को फ्लैट लेटा देना चाहिए विदाउट पिलो, उसके सिर पर ठंडा पानी डाल देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, या अगर कोल्ड पैक होगा तो नाक के ऊपर रख देना चाहिए, नाक के अंदर नो ये फिंगर नहीं डालनी चाहिए, ना ही नाक बार बार साफ करनी चाहिए। उसके बाद है इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट मीन्स अगर कोई भी इंसेक्ट आपको काट ले, जैसे कि बी, वास्प एट्सेट्रा, तो मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, अगर वो काटती है, वो ज्यादातर हमारे आसपास पाई जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें अचानक से काट लेती है, और उसका काटना बहुत पेनफुल होता है, उससे हमें बहुत दर्द होता है। Sometimes a sting can cause swelling in that part of the body. कहते हैं कभी कभी उसके काटने से क्या हो जाती है, हमारी वो बॉडी, हमारी जो बॉडी है जहाँ पे वो काटे तो सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वहां पे। What should we do in such situation? तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, Place a piece of ice or pour cold water on the affected area. We can also apply ammonia or lime water on the area. कहते हैं हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए उस जगह पे, उससे क्या होगा, हमारी दर्द कम होगी, सूजन नहीं होगा, या लाइम वाटर डालना चाहिए। लाइम वाटर क्यों, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड की वजह से क्या होता है, जो जहर होता है तो वो उसमें बेस प्रेजेंट होता है, जो जहर होता है इसमें, वो बी के जो जहर होता है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, तो अगर हम उसमें एसिड लगाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे कि वो जहर खत्म हो जाता है। उसके बाद है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स मीन जख्म। जख्म जब होंगे तो हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, वेरी ऑफन व्हाइल प्लेइंग वी हर्ट आवरसेल्फ्स ऑन नीज, एंकल्स, एल्बोज एटसेट्रा, व्हाट शुड वी डू इन सच सिचुएशन। कहते हैं कि ज्यादातर जब हम खेल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे को क्या होता है, हमारे को कभी लग जाती है, कभी टांग में, कभी एल्बो में, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि उसको पहले साफ पानी से धोना चाहिए उस जख्म को, फिर उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस पर तेल या कोई भी घी भी नहीं लगाना चाहिए, हमें उसको अच्छे से साफ करके वहां पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना चाहिए। स्प्रिन। Sprain, sometimes when we run really fast or when our foot twist, it can cause a sprain. Sprain क्या होता है, कभी हमारी मसल पुल हो जाती है तो हमारे को स्ट्रेन पड़ जाता है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, क्यूसेप्शन सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स, डू नॉट मसाज द अफेक्टेड एरिया। कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वहां पर सपोर्ट देना चाहिए, जहां पर भी हमें स्ट्रेन लगे, स्प्रेन लगेगा, तो वहां पर कोई मसाज नहीं करनी चाहिए, हमें एक कोल्ड पैक रख देना चाहिए जहां पर हमें लगेगा स्प्रेन हुआ है। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द स्प्रेन, पुट सम सॉल्ट इन ल्यूक वाटर एंड गिव फोमेंटेशन। कहते हैं फोमेंटेशन जल्दी नहीं दे, फोमेंटेशन क्या होगा, एक तरह का स्टीम जो आप बोल सकते हो, गर्म पानी से जो हम सेक देते हैं,
वो 24 आवर्स के बाद देना चाहिए। तो हमें भी कभी भी जब हमें स्प्रेन आए तो किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ये आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए जब हमें स्प्रेन होगा, जब हमें वॉन्ड्स होंगे या इंसेक्ट बाइट करेगा या ब्लीडिंग नोज होगी। इसके आगे हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।